भारत में वाइल्ड लाइफ में सबसे जो चर्चे का विषय है वो है चीतास के बारे में। पुराने टाइम में इंडिया में बहुत सारे चीतास हुआ करते थे, उसको एशियाटिक चीता बोलते थे या हंटिंग लेपर्ड भी कहा जाता था। तो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सभी जगह पे एशियाटिक चीता फैले हुए थे। धीरे धीरे अननेचुरल तरीके से इनकी डेथ होने लगी और फिर चीतास इंडिया से एक्सटेंट होते गए। ऐसा कहा जाता है कि मुगलों के दरबार में चीतास का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था। एक स्पेशल टीम होती थी जो जंगल में चीतास को ट्रैप बना के कैप्चर करती थी, उसको फिर ट्रेन किया जाता था और शिकार के लिए यूज किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि अकबर के पास 1000 के आसपास चीतास हुआ करते थे और वो हंटिंग के लिए यूज किए जाते थे, लाइक किसी डियर की शिकार करने के लिए या किसी ब्लैक बक की या गजेल की शिकार करने के लिए चीतास का यूज किया जाता था। इस प्रकार से चीतास को बड़ी संख्या में कैप्टिव कंडीशन में रखने की वजह से धीरे 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 उनका नेचुरल ब्रीडिंग जो है वो कम होते गया और फिर इंडिया से चीतास नष्ट होते गए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि भारत से चीतास कब एक्सटिंक्ट हो गए।